नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने एमवे इंडिया की 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करने का आरोप है। अगर आप पिरामिड फ्रॉड के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि इसकी पूरी कहानी आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, आम आदमी कैसे अपनी मेहनत की कमाई इसमें खो देता है। पिरामिड फ्रॉड क्या है? पिरामिड स्कीम एक तरह का मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होता है। इस स्कीम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है और इस तरह एक चेन तैयार होती है। इसे समझने के लिए हमें सलमान खान की जय हो मूवी का सहारा लेना होगा। इस मूवी में सलमान लोगों की मदद करते हैं और उनके थैंक्स बोलने पर कहते हैं कि थैंक्स मत बोलो, आगे तीन लोगों की मदद करो और उनसे बोलो कि वो भी तीन लोगों की मदद करें, तो इस तरीके से चेन बनती जाएगी। ये किस तरह का काम करता है? बस कुछ इस तरह की चेन पिरामिड स्कीम में बनाई जाती है। चेन तैयार करने पर पहले व्यक्ति को लगातार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। इस स्कीम में पैसे को घुमाया जाता है। इसमें नए जुड़े लोगों का पैसा पुराने लोगों को मिलता है। आम आदमी को कैसे नुकसान होता है? पिरामिड के नीचे वाले लोगों को अक्सर इसमें लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि असल जानकारी जाने बिना आम आदमी कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल होने और ज्यादा कीमतों पर उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होता है और इस तरह वो अपनी मेहनत की कमाई खो देता है। पिरामिड स्कीम पर भारत समेत ज्यादातर देशों में पाबंदी है, लेकिन ये कंपनियां सीधे पैसों का सर्कुलेशन ना कर अपने प्रोडक्ट के जरिए मनी सर्कुलेट करती हैं। ईडी के मुताबिक कंपनी लोगों को लालच देती थी कि वो अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए सामान बेच सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वहीं पिरामिड की चेन तैयार होती है, जिस चेन में आए सभी लोगों को वो माल खरीदना ही होता है जो कंपनी अपने मूल्यों पर बेचती है। इस पर एमवे ने भी प्रतिक्रिया दी है। एमवे के मुताबिक अधिकारियों की कार्रवाई 2011 की जांच के संबंध में है और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। 2011 से समय समय पर मांगी गई सभी सूचनाओं को साझा किया गया है।